शहर के न्याय मंदिर दूधवाला मोहल्ला के पास देर रात वाड़ी पुलिस स्टेशन का काफिला खाने पीने की लारी बंद करवाने गए के दौरान पीएसआई महिला अधिकारी पर जानलेवा हमला और रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की घटना में पुलिस आलम में हलचल मची है। वडोदरा के न्याय मंदिर दूधवाला मोहल्ला के पास आधी रात तक कार्यरत रहती खाने पीने के लारी गल्लों को बंद करवाने गई वाड़ी पुलिस स्टेशन के पीएसआई महिला अधिकारी पर लोग टोली ने हमला कर महिला पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करते हुए हलचल मची है। देर रात तक कार्यरत रहती न्याय मंदिर दूधवाला मोहल्ला पास की खाने पीने की लारी गल्लों पर पुलिस विभाग की ही कोई पकड़ नहीं रही और ढीली कामगिरी की जा रही है। कल रात भी वाड़ी पुलिस स्टेशन का काफिला दूधवाला मोहल्ला विस्तार में ये लारी गल्लों को बंद करवाने गया था। जब पुलिस लारी गल्ले बंद करने का कहते ही मामला उग्र बना और लोग टोली इकट्ठा हुई। बावजूद पुलिस द्वारा लारी गल्ले बंद करवाने के लिए सत्ता और बल का प्रयोग करते हुए लोगों में रोष छाया था। लोग टोली में से एक शख्स ने महिला पीएसआई एसजे तोमर के सर पर लकड़ी का फटका मारते हुए भगदड़ मची और किसी ने महिला पीएसआई की रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की थी। वहीं घायल महिला पीएसआई को तत्काल पुलिस जीप में बिठाकर एसएजी अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर ये मुद्दे भारी भगदड़ और हलचल मची थी। वहीं महिला पीएसआई पर हमले की खबर के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी भी एसएजी अस्पताल दौड़े चले आए थे, जबकि मीडिया भी एसएजी अस्पताल आ पहुंचते हुए पुलिस और मीडिया कर्मी के बीच वाद विवाद घटित हुआ था। जब पुलिस अधिकारी द्वारा महिला मीडिया कर्मचारियों को अस्पताल जाने पर रोक लगाते हुए मीडिया द्वारा विरोध करते हुए उग्र वाद विवाद देखने को मिला था। यह भी जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग की दोहरी नीति के कारण आज पुलिस कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। एक और शाम के बाद 11 बजे हरेक विस्तारों में लारी गल्ले को बंद करवाया जाता है, तो वहीं शहर के याकूतपुरा, भद्र कचेरी, पानी गेट, न्याय मंदिर, दूधवाला मोहल्ला में देर रात तक यही लारी कार्यरत रहती है, जहां पुलिस की ही कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही और पुलिस कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ रहा है।